हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखी जा रेस्क्यू बेबी सेंटर, लाइफ प्रेगनेंसिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। न्यू लक्ष्मी टेलीकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शॉप। यहां आपको मिलेगी मोबाइल फोन की संपूर्ण श्रृंखला, साथ ही नए एवं पुराने फोन पर फाइनेंस सुविधा भी। संपर्क करें 9516569000, जयस्तम चौक, मेन पोस्ट ऑफिस के बगल में, मालवीय रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद हवालात में आपका स्वागत है। हवालात में अब बात करते हैं जगदलपुर से आई इस खबर की, जहां असना चौक पर तीन लुटेरों ने एक व्यापारी से 17.5 लाख की लूट की। लूट की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस अलर्ट पर आ गई है, ये रिपोर्ट देखिए। लूट की ये चौंका देने वाली वारदात दर्ज की गई है जगदलपुर के असना चौक में, जहां तीन लुटेरों ने हथियार दिखाकर एक व्यापारी शुभम सिंह को अपना निशाना बना डाला। मोगराबाल इलाके के निवासी शुभम सिंह वारदात से कुछ देर पहले ही बैंक से रुपए निकाल कर लाए थे और ड्राइवर के साथ बोलेरो गाड़ी से वापस जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे पर तीन अज्ञात लोगों ने शुभम सिंह को रोकने का इशारा किया और गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर रोका और अपना शिकार बना डाला। दो व्यक्ति जो है पैसा लेकर के 17.35 लाख लेकर के आ रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाल करके। लेबर पेमेंट का पैसा था, वो हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन कंपनी का पैसा था। तो तीन अज्ञात व्यक्ति जो थे स्कॉर्पियो में पहले से खड़े थे रोड में, आसमान और टोल प्लाजा के बीच में। वो लोग गाड़ी रोके और हमारी गाड़ी खराब हो गई करके उनको पाना मांगे और पाना नहीं है बोला। उसके बाद उनके ड्राइवर से चाबी छीन लिया और उनको डरा करके उनके जो पैसा था बैग वाला था, बैग को लेकर वहाँ से फरार हो गए। लुटेरों ने रुमाल की आड़ में हथियार दिखाकर व्यापारी और उसके ड्राइवर को बुरी तरह से डरा दिया था। लूट की रकम के साथ गिरोह ने बोलेरो की चाबी भी अपने पास रख ली थी, जिससे वो लुटेरों का पीछा ना कर सके। अपने साथ दिन दहाड़े हुई इस वारदात से व्यापारी सन्न रह गया और तत्काल पुलिस को खबर कर दी। बताया गया है कि उसमें कुछ कपड़े में लपेटे हुए थे, वो लोग बंदूक देखे नहीं है, कपड़े में कुछ रुमाल में लपेटा हुआ था और रुमाल को टिकाया गया था। रुमाल के अंदर में वो डंडा था कि बंदूक था, अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा। जब कोतवाली पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, तब व्यापारी ने अपने साथ हुई लूट की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जिले के सभी थाना प्रभारियों को तत्काल संगीन वारदात की सूचना दी। पुलिस ने तत्काल शहर की सीमाओं पर नाकाबंदी लगाकर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। उसकी सूचना थाने में आई, थाने के द्वारा तत्काल नाकाबंदी किया जा रही है, एफआईआर करके तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हवालात के लिए जगदलपुर से आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट।